नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी में पहली बार मिले कोरोना के दो पॉजिटिव केस, पहला मानेरू गांव से और दूसरा संडवा गांव से। बाजार ऐप से भिवानी वासी घर बैठे ले सकेंगे राशन, नई सुविधा प्रदान करने वाला बना भिवानी पहला जिला। श्री राधा कृष्ण केसर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बढ़ाए सहायता के हाथ, जरूरतमंदों को दिया जा रहा है जरूरत का सामान। समाज सेवा बना परम धर्म, समाज सेवी विष्णु केड़िया ने जरूरतमंदों की सहायतार्थ दिया 1,00,000 रुपए का चेक। स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन बनी गरीबों व जरूरतमंदों की सहारा। भिवानी में देखे लॉकडाउन का असर, सामाजिक संस्थाओं ने की घर रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिला अभी तक कोरोना के कहर से बचा हुआ था, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे लोगों ने भिवानी को भी कोरोना के भेंट चढ़ा ही दिया। यहाँ के गांव संडवा और मानेरू से दो केसेस पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जन में भी हड़कंप मच गया है। दोनों को ही इनके संपर्क में आए 14 लोगों के साथ लोहानी के अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों गांव में ही कर्फ्यू जैसी स्थिति के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन से जमात कर बहुत से लोग मार्च माह के अंत तक अपने अपने गांव लौटे थे। उस समय कोरोना का कहर चरम पर था। ऐसे ही कुछ लोग भिवानी व आसपास के गांव में भी आए थे। ऐसे लोगों व उनके संपर्क में आए कुछ 22 लोगों को लोहानी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। इनमें से संदिग्ध मानकर स्वास्थ्य विभाग ने 8 लोगों के सैंपल जाँच के लिए 3 मार्च को रोहतक PGI भेजे थे। इनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया। COVID-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मानेरू गांव निवासी 52 वर्षीय निजामुद्दीन और संडवा गांव निवासी 26 वर्षीय अब्दुल को सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। डॉक्टर राजेश ने बताया कि देर रात रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों के संपर्क में आए और 14 लोगों को लोहानी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने बताया कि साथ ही इनके घरों के आसपास के 50-50 घरों को सैनिटाइज कर दोनों गाँवों को सील कर दिया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक भिवानी में लोगों की थोड़ी बहुत लापरवाही चल रही थी, लेकिन अब अपनी ओर से अपने परिवार की जान बचानी है तो सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा लॉकडाउन की पूर्ण पालना करनी होगी। वहीं एक एक कर जिला से 8 सैंपल पहले भी भेजे गए थे जो कि नेगेटिव मिले थे। इससे जिला के लिए बड़ी राहत थी। अब ये जैसे दिल्ली वाला, मरकज वाला है, निजामुद्दीन से जो आए हुए थे पेशेंट, वो हमारे पास क्वारंटाइन में थे, वैसे ठीक थे। फिर हमने 8 ट्रेस हुए थे हमारे से, 8 के 8 के हमने सैंपल लेके भिजवा दिए थे, तो उसमें से 6 तो नेगेटिव आए हैं, 2 वो पॉजिटिव आए हैं। अभी उनको हमने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अपने क्वारंटाइन सेंटर में हमने रख दिया है यहाँ पर। तो इसमें तो हम ये कहना चाहेंगे एक बार पब्लिक को भिवानी की, चीज़ें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना अच्छे से कार्य कर रहा है। पब्लिक को ये हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से भी ये अनुरोध है कि पैनिक ना बनाएं, चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हैं, अपने लॉकडाउन का पालन करें। जिस तरह की भी सिचुएशन हेल्थ डिपार्टमेंट की आएगी, हम उसको हैंडल करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो बस पैनिक नहीं बनाना। सर, ये दोनों पेशेंट कहाँ था, इनके एज ग्रुप क्या है?
एक तो 50 से ऊपर है, एक लगभग 20-22 साल का है दोनों। ये दोनों अलग अलग गांव से हैं, वो पूरे गांव की अभी स्क्रीनिंग, और हमारा काम पूरा चल रहा है, वो तो शाम तक सारी डिटेल पूरी हो पाएगी हमारी। ये इनके जो दोनों फैमिली कॉन्टेक्ट थे इनको हमने ले लिया क्वारंटाइन सेंटर में, हमने रात को ही कर लिया था दोनों को लवानी। एक क्वारंटाइन सेंटर है, 14 थे, एक के 8 और एक के 6, उनकी फैमिली मेंबर को सबको हमने ले लिया और उनकी सबकी सैंपलिंग कराएंगे अभी, तो अभी लगे हुए हैं हम थोड़ा सा बिजी। बाकी मेरा पुण्य ये अनुरोध है कि पब्लिक से भिवानी से धैर्य बनाए रखें, जिनसे स्वास्थ्य भी बाकी कंट्रोल में है, अपना धैर्य ना। क्वारंटाइन सेंटर लगाने से 8 लोगों के सैंपल पीजीआई रोहतक भेजे थे, जिनके रात को रिपोर्ट आई, जिनमें 2 केस पॉजिटिव निकले हैं। एक निजामुद्दीन नाम का है जिसकी उम्र 52 साल है, मानेरू गांव से है, और एक है अब्दुल नाम का संडवा गांव से जिसकी उम्र 26 साल का। ये दिल्ली से जमात करके लौटे थे, हमने जो ही पता चलते उनको आइसोलेशन में तुरंत शिफ्ट कर दिया है, और उनकी फैमिली मेम्बर्स को रात को ही 1 घंटे के अंदर हमने क्वारंटाइन करके लोहानी भेज दिया। कितने लोग होते हैं इनके साथ? निजामुद्दीन के परिवार से 8 लोग थे और अब्दुल के परिवार से 6 लोग थे। तो सर अभी तक दीवानी में बड़ी राहत थी, कोई केस नहीं था, तो बड़ी लोगों से राहत की बात क्या? थी, बट अब लोगों को बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात को ही दोनों मरीजों को भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और दोनों ही गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा इनके घरों के आसपास के नागरिकों व उनके परिवार के सदस्यों का चेकअप किया जा रहा है। गांव में मानेरू गांव है, उसके 6 एग्जिट पॉइंट हैं, आने जाने के सिर्फ 6 रास्ते हैं और 6 रास्ते पर हमने पुलिस के नाके लगा दिए हैं और प्रत्येक नाके पे गांव के भी 2 व्यक्ति हमने नियुक्त करी हैं। डे नाइट 24 घंटे 24x7 उनकी ड्यूटियां हैं पुलिस मुलाजमों की, और उनको हर तरह के रेनीकोट, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन, सभी तरह के साजो सामान से युक्त कर रखे हैं उन पुलिस मुलाजमों को, और किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई रिश्तेदार यारा प्यारा ना तो गांव के अंदर एंटर करने दे रहे हैं, ना गांव से किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। तो बिल्कुल नाका सील कर दिया, गाँव सील कर दिया है, पूरे जहाँ पर उसका घर था निजामू का, उसमें पूरा सेंसिटाइजेशन कर दिया है और स्प्रे छिड़क दिया है, पूरा गांव में भी सरपंच ने भी छिड़का है और हमारे अपने जो मेडिकल टीम है उन्होंने भी छिड़क दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में किए जा रहे प्रयासों में भिवानी ऐसा पहला जिला है जहां नागरिकों के लिए भिवानी बाजार नामक ऐप तैयार कर प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नगरवासी घर पर बैठे बैठे ही खाद्य सामग्री के साथ साथ दूध, फल, सब्जी एवं दवाइयां मंगवा सकते हैं, जिसके चलते लोगों को बाजार जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के चलते लोगों के घरों में रहने की अपील की गई है, लेकिन लोगों को जरूरी वस्तु लेने के लिए घरों से बाहर भी निकलना पड़ता है। लेकिन प्रशासन ने भिवानी बाजार नाम से ऐप की सुविधा दी है, जिससे शहरवासी घर बैठे ही सामान ऑर्डर कर सकेंगे। उपायुक्त अजय कुमार ने अपने कार्यालय में इस ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सीधे ऑर्डर कर सकते हैं और इसके अलावा इसके लिए दिए गए फोन नंबर पर फोन या व्हाट्सएप की सुविधा भी है। उन्होंने बताया कि इन वस्तुओं को घर मंगवाने पर अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि फिलहाल इस ऐप के साथ 40 खाद्य सामग्री स्टोर, दूध के लिए 1 वेंडर, फल सब्जी के लिए 7 और दवाइयों के लिए 10 मेडिकल स्टोर को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि यह नागरिकों के लिए एक तरह से सुविधा है जिसके माध्यम से नागरिक सोशल दूरी रख सकते हैं। वहीं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि गूगल स्टोर के माध्यम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद रजिस्टर करने के लिए नए यूज़र पर लिंक करना होगा, फिर नाम, मोबाइल नंबर, नज़दीक का एरिया व पासवर्ड की सूचना भरनी होगी। रजिस्टर करने के पश्चात आप इस एप्लीकेशन से किराने का सामान, दवाइयाँ, दूध, फल व सब्जियाँ ऑर्डर कर सकते हैं। वो डोर स्टेप तक हो सके इसके लिए सरकार की हिदायत अनुसार पहले जो एक लिस्ट तैयार की गई और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में दी गई है सप्लायर्स की लिस्ट, उसके माध्यम से भी ये कार्य किया जा रहा था, परंतु इसके बाद अभी हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एंड्रॉयड ऐप, जिसके माध्यम से कोई भी इसमें रजिस्टर करके ग्रोसरी, मेडिसिन, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड मिल्क, ये इसको ऑर्डर कर सकता है। और उसके बेसिकली 3 माध्यम हैं, एक तो ऐप के ज़रिए ही वो अपना ऑर्डर उसमें लिख देगा एंड ऑर्डर करते ही वो एसएमएस जो है वो उस वेंडर तक चला जाएगा,
एंड वेंडर फिर उसको आगे डिलीवर कर देगा जो हमने इसमें बैकएंड में वेंडर लिस्ट किए हैं। दूसरा जो माध्यम रहेगा वो है कॉल का, वो भी उसमें सुविधा दी गई है, वेंडर से डायरेक्टली बात करके भी ऑर्डर प्लेस हो सकता है। एंड तीसरा है व्हाट्सएप मैसेज का, वो भी ऐप के माध्यम से हो जाएगा। सो देन जो भी यूज़र इस ऐप को यूज़ करता है तो उसको नंबर्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दो तरह के वेंडर्स हैं, कुछ हैं जो पूरे भिवानी शहर में डिलीवर करेंगे सारे गुड्स को, और कुछ हैं जो एरिया स्पेसिफिक डिलीवरी देते हैं जोन वाइज या वार्ड वाइज, तो उनको भी ऐप में इसी तरीके से लिस्ट किया गया है। ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो 40 इसमें जुड़े हैं। मिल्क के लिए हमारा एक वेंडर है जो पूरे शहर में सप्लाई करने के लिए तैयार है, तो हम अभी तक हमने उसको लिस्ट किया है, और अगर जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और को भी इसमें लिस्ट कर देंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए फ़िलहाल 7 हमने वेंडर्स को इसमें जोड़ा है जो पूरे शहर को डिलीवर करेंगे। और मेडिसिन जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसके लिए हमने 10 स्टोर्स को इसमें लिस्ट किया है। नाम से ऐप लॉन्च की गई है सर, इसमें गूगल प्ले स्टोर पर जाके भिवानी बाज़ार करके सर्च कर सकते हैं और वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है, उसमें केवल अपना मोबाइल नंबर, नाम और वो उसका घर किस एरिया में नज़दीक पड़ता है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना एक पासवर्ड बना ले, वो रजिस्टर हो जाएगा। सेकंड ऐप जब भी यूज़ करें, जब भी उसको ऑर्डर करना होगा वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देगा और उसमें ग्रोसरी, मेडिसिन, मिल्क, फ्रूट्स कोई भी ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर करने के बाद वो SMS उस वेंडर को ऑटोमेटिकली चला जाएगा और इनके ऐप पे भी उसकी हिस्ट्री रहेगी, उन्होंने क्या क्या ऑर्डर कर दिया है। जिले लॉकडाउन के चलते जहां एक और अनेक सामाजिक संगठन गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट्स वितरित कर रहे हैं, वहीं श्री राधा कृष्णन केसर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचकर वहां सब्जियां एवं फल वितरित करती है। सब्जी मंडी के आड़ती एवं अन्य व्यक्तियों के सहयोग से चलाई जा रही इस मुहिम को ASI रूपक की देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। एक तरफ तो जहां लोगों द्वारा जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री के तहत आटा, तेल तथा मसाले के साथ साथ बना बनाया भोजन दिया जा रहा है, वहीं एक संस्था ऐसी भी है जो जरूरतमंदों के लिए रोजाना फ्री में सब्जी मंडी लगा रही है। जिस स्थान पर संस्था को जरूरतमंद दिखाई देते हैं वहीं पर मंडी लगाकर उन्हें सब्जी तथा फल फ्रूट वितरित किए जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक संस्था करीब 100 क्विंटल सब्जी जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा चुकी है। इस संस्था का नाम श्री राधा कृष्ण केसर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। सोसाइटी द्वारा किए जा रहे इस पुण्य काम की देखरेख का जिम्मा सब्जी मंडी में तैनात ASI रूपक ने संभाल रखा है। वहीं सब्जी मंडी के आड़ती तथा अन्य लोगों के सहयोग द्वारा चलाई जा रही मुहिम का लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। सब्जी बांटते समय सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। ASI रूपक स्वयं इस बात का ध्यान रखती है कि एक बार में 3 से ज्यादा जरूरतमंद लोग सब्जी लेने की होड़ में ना लगे। ये मोदी जी ने जो अभियान चला रखा है इस महामारी से बचने के लिए, सारे जो अपने देश के लोग अपने घरों में रहो, इस समस्या के चलते गरीब लोगों में जो डेली कमाते खाते उनको थोड़ी दिक्कत आई, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम सारी टीम ने मिलके ये सोचा कि हमारे रोज इनको एक झुग्गी में, जितनी भी झुग्गियाँ हैं पूरे शहर में, जितनी भी झुग्गियाँ हैं, जितने भी गरीब लोग हैं बस्तियों में, बिहारी हैं, यूपी जो परदेसी आदमी है, प्रवासी, वो कोई भी आदमी भूखा न सोए, इसलिए पूरी सब्जी मंडी के जितने भी आड़ती हैं और ये पूरी सब्जी मंडी की जो टीम है ये लगातार सब्जी बांट रही है 14 तारीख से लेकर, और इन्होंने ठान रखा है कि भिवानी में कोई भी भिवानी वासी भूखा नहीं सोएगा, या खाना, सूखी सब्जियां और दाल आटा सब बांटा जा रहा है गरीबों में हर रोज। परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी हर रोज सब्जियां, फ्रूट लगातार दिया जा रहा है गरीबों में। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मोदी जी ने जो हमें आदेश दिए हैं उसकी पालना करते हुए घरों में रहें और किस कोई भी भूखा नहीं सोएगा इस देश में, हर आदमी प्रयास कर रहा है कि कोई भी भूखा न सोए। कुछ लोग गरीब असहाय लोगों के लिए धनराशि दे रहे हैं, खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी विष्णु केडिया ने 1 लाख रुपए का चेक पुलिस विभाग को सैनिटाइजर्स और मास्क इत्यादि खरीदने के लिए दिया है।
आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पुलिस विभाग दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जिसके चलते उन्हें भी सुरक्षा के लिए पीपीटी ड्रेस, मास्क व सैनिटाइजर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाजसेवी विष्णु केड़िया ने पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह को 1,00,000 रुपये का चेक भेंट किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पुलिस विभाग दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जिसके चलते उन्हें भी सुरक्षा के लिए पीपीटी ड्रेस, मास्क, सैनिटाइजर्स आदि की जरूरत पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाजसेवी विष्णु केड़िया ने उपाध्यक्षक वीरेंद्र सिंह को 1,00,000 रुपये का चेक भेंट किया, ताकि कोरोना वॉरियर्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये 1,00,000 की राशि है, विष्णु केड़िया की तरफ से दिया गया है, पुलिस फंड में देने के लिए, ताकि पुलिस का जो भी मास्क वगैरह या जो भी कोई मटेरियल, इसमें सैनिटाइजेशन है, मास्क है, ग्लव्स है और रेनी कोट वगैरह भी खरीद रहे हैं, ताकि वो पीपी किट का काम करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का काम करेंगे, तो उसके फंड के लिए इन्होंने दिया, हेल्प के लिए। यह कोविड, जैसे कि आपको पूरे विश्व के अंदर ये फैला हुआ है कोविड-19 का प्रकोप, उससे राहत के लिए पुलिस भी काफ़ी मतलब मटेरियल खरीद रही है, अपने सभी पुलिस कर्मियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, रेनी कोट हैं और ग्लव्स वगैरह हैं इसके लिए, तो और बढ़िया मैडम की तरफ से, पुलिस अधीक्षक श्रीमती संगीता रानी कालिया के आईपीएस की तरफ से सभी को खाना जो है, पहले डाइट सिस्टम था हमारे मेस के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना कर रखा है और सबको बढ़िया न्यूट्रिशस और प्रोटीन युक्त डाइट मिल रही है रेगुलरली। जब से ये कोविड का ये अभियान चल रहा है, जब से इस अभियान में हम संघर्ष कर रहे हैं, और समस्त प्रशासन, सरकार, आप मीडिया बंधु भी उसमें बहुत ही अहम योगदान प्ले कर रहे हो। कोरोना वायरस के कारण आए संकट में लोगों की सहायता के लिए माजरा दुबलधन के जटेला धाम के स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन भी आगे आई हैं। कामगारों एवं जरूरतमंदों के लिए इस धाम में प्रतिदिन 1200 आदमियों के लिए भोजन बनवाकर प्रशासन द्वारा वितरित किया जा रहा है। राजेश दास महाराज का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रतिदिन पौष्टिक भोजन तैयार करवाया जा रहा है और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जा रहा है। वैश्विक महामारी के समय में अब जरूरत की बात आई तो महंत श्री राजेंद्र दास जी ने यहाँ पहल करते हुए जरूरतमंदों के लिए स्वामी नित्यानंद आश्रम तपोभूमि जटेला धाम माजरा दुबलधन बेरी पर भोजन बनवाकर वितरण करवाया जा रहा है। खास बात यह है कि स्वयं जरूरतमंदों के बीच जाकर भोजन पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को भोजन करवाना आत्मिक संतुष्टि देता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जटेला धाम महाराज नित्यानंद जी महाराज जी का, और यहाँ पर जो है प्रशासन की मदद के लिए जो है रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए जो है भोजन सामग्री बनाई जा रही है, और पूरी फाउंडेशन कमेटी और गांव की सामाजिक संस्थाएं सभी भरपूर सहयोग कर रही हैं ताकि जरूरतमंद तक खाना पहुंचे, मानव जाति का जो है विकास हो और इस कोरोना की लड़ाई में हम जंग जीतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के साथ यहां पर लोगों को घर में रहने की अपील भी की गई है, और बताया गया है कि जब तक कोरोना महामारी है तब तक जो है घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी से लड़ने के लिए अपने अलग अलग प्रयास करते रहें। महाराज जी ने यह भी कहा कि जो समर्थ हैं उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनके साथ इस पवित्र और लोक कल्याण के कार्य के लिए माजरा गांव के अन्य गैर सरकारी संगठन बाबा मोहनदास मंदिर कमेटी और श्याम बाबा मंदिर कमेटी भी आगे आई है और इस देशव्यापी बंद में सहयोग करने का निश्चय किया है। वर्तमान में स्वच्छता, पोषण, कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखकर भोजन को प्रभावी, कुशल और स्वास्थ्यकर तरीके से तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए मंदिर की रसोई को विशेष रूप से सैनिटाइज कर भोजन बनवाया जा रहा है। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का कहना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए आश्रम के स्वयंसेवक निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं श्री महंत राजेंद्र दास, तपोभूमि जटेला धाम माजरा दुबलधन, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें अपना परिवार मान के समझा रहे हैं, आप सभी अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना जाएं। कोरोना वायरस का यही इलाज है कि आप अपने घर में रहें। मैं सभी संपन्न परिवारों से और सभी डेरों के महंतों से, संतों से, महात्माओं से
अपील करता हूं कि आपके अक्षेत्र में कोई भी भूखा व्यक्ति ना रहे। आप सभी यथा सामर्था उनकी मदद करें। स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन, स्वामी नित्यानंद आश्रम, जरूरतमंद लाचार पीरों के हर वक्त हमेशा साथ खड़ा है। आज भी जटिला धाम की ओर से, गांव माजरा की ओर से और आसपास की संगत की ओर से भी हमारे दो डेरे भी हैं, बाबा मोहनदास और श्याम जी मंदिर की कमेटी भी हमारे साथ खड़ी है। आसपास के दूर दराज के लोगों के भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। तपोभूमि जटिला धाम से प्रसाद तैयार होकर के बेरी में प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और वहाँ जरूरतमंदों को वितरण होता है। आप सभी से अनुरोध है, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, जितना हो सके सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने घरों में ही रहें। वहीं बेरी शहर में भी स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन की भोजन वितरण व्यवस्था संभालते हुए प्रशासन के कुछ अधिकारी और उनके साथ मिशन फाउंडेशन के सदस्य श्री जय भगवान जांगड़ा, मुकेश शर्मा जी, मास्टर ज्ञानचंद, पंकज काद्यान और आरएस बेरी इकाई के संयोजक श्री पीताम्बर जी और सोनू आदि अपनी पूरी सहयोग दे रहे हैं। तपोभूमि जटिला धाम के अंदर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज से प्रेरित होकर हमने आज से लगभग 4 साल पहले नित्यानंद मिशन फाउंडेशन की स्थापना की। जब देश के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण आरंभ हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि आप लोग अपने घरों में रहें और लक्ष्मण रेखा को न लांघें, तो ऐसे में हमें महसूस हुआ कि जरूरतमंद लोग जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, उनको भोजन के बिना दिक्कत ना आए। तब हमने ये फैसला लिया कि बेरी सब डिवीज़न के अंदर हमने आग्रह किया है जिम साहब से कि हम नित्यानंद मिशन फाउंडेशन जटिला धाम और गांव की जो श्याम बाबा की कमेटी और मोहनदास बाबा की कमेटी जो हमारे सहयोग में आगे बढ़ के आई, हम सभी ने मिल के ये छोटा सा प्रयास किया कि हम जरूरतमंद की मदद करें ताकि कोई व्यक्ति इस महामारी के दौरान भूखा ना रहे। अतः हम प्रशासन से प्रार्थना करते हुए हमने 600 आदमियों का खाना सुबह, 600 का शाम को हम भेजते हैं और मंगल कामना करते हैं कि महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ज़्यादा संक्रमण न फैलें। और अपने सभी सदस्यों से ये कहते हैं वो जहाँ है वहीं रहें, वहीं रह के माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना का सम्मान करते हुए अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की का विशेष ध्यान रखें। कोरोना के कहर से बचने के लिए भिवानी हलचल की टीम समय समय पर अपील करती है कि आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें और अत्यधिक आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। यही कहना था अनेक गणमान्य व्यक्तियों का। नगर में अनेक स्थानों का जायजा लेते हुए भिवानी हलचल की टीम अनेक लोगों से मिली और उनके विचार भी जाने। आइए करते हैं इन सब के विचार साझा। रेखा पार करो ना। लक्ष्मण रेखा तुम पार करो ना, घर की लक्ष्मण रेखा तुम पार करो ना। नगरवासियों से प्रार्थना है कि अपने घर में क्वारंटाइन करके रख दें, अभी ये समय बाहर घूमने का नहीं बचा, क्योंकि भिवानी शहर के अंदर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, 2 को तो पॉजिटिव मिला है और उनके रिलेटिव वगैरह सारे पॉजिटिव मिलेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि घर में खुद को क्वारंटाइन कर लें, खुद को लॉकडाउन ना समझें, अब तो कर्फ्यू समझ करके घर से बाहर ना निकले। सभी से मेरी बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है। शहरवासी से अपील करता हूँ, कृपया करके जो आपको जरूरत के सामान जब चाहिए हो, सरकार ने फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए हैं, राशन हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, आपको घर बैठे मिलेंगे। कम से कम घर से बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि ये आपके लिए जीवन के लिए अपील है। क्योंकि एक एक आदमी जो घर में रहेगा उसकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, आने वाली 5 तारीख को 9 बजे रात्रि को 9 मिनट के लिए सभी मोमबत्ती, अपनी टॉर्च, कोई भी आपके पास जो लाइट है, सारी घर बंद करके सिर्फ टॉर्च की लाइट या मोबाइल की लाइट या मोमबत्ती से एक आह्वान दे कि हम सब एक हैं और एक होकर इस कोरोना की महामारी को अपने भारत से दूर भगाना है। उनसे यही अपील करूंगा, इसका एकमात्र दो ही, अपने घर में स्टे करें, अपने घर के अंदर रहें,
अपने आप को लॉकडाउन करें कम्प्लीटली और कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही बाहर निकलें, जैसे राशन पानी बिल्कुल ही ना हो और इस परिस्थिति में रखें। और अब तो डीसी साहब ने वो टोल फ्री नंबर भी कर दिया जिसको होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी गई है, तो ऐसी कोई नौबत नहीं है। मेडिकल हॉल भी 24 घंटे खुले हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी से मेरा यही अनुरोध है कि अपने घर में रहें और इस लॉकडाउन को कामयाब करें, और जब खुदा नखास्ता कभी बहुत ही अर्जेंट काम के लिए बाहर भी निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंस अवश्य मेंटेन करें, 2 मीटर का कम से कम 8 फुट का गैप हो हमारा एक से दूसरे के, मास्क लगा के निकलें, ग्लव्स वगैरह हो और भी है, और बाहर से आने के बाद हम अपने कपड़े वगैरह जूते वगैरह बाहर ही निकाल दें घर से और उनको सर्फ वगैरह के पानी में धो लें अच्छी तरह। यही मेरा अनुरोध है सभी से भी, अपने आप को कम्प्लीटली लॉकडाउन रखें, पूरा सहयोग करें प्रशासन का भी और पुलिस प्रशासन का भी और सभी का, मतलब सहयोग करें ताकि घर से ना निकलें। हमें बार बार भी मतलब कहना पड़ा, मीडिया बंधुओं की तरफ से भी डेली समाचार आ रहे हैं और आप लोग भी इनसे अनुरोध कर रहे हैं पब्लिक से कि भी अपने घर में रहें, लॉकडाउन रहें, बाहर ना घूमें अनसर। रेखा पार करोना डॉक्टर और पुलिस का लोगों सपोर्ट करोना, अपने घर की घर की लक्ष्मण रेखा तुम पार करोना, घर की लक्ष्मण रेखा तुम पार करोना। मैं सूर्य प्रताप सिंह, छात्र नेता, सभी शहरवासियों से प्रदेशवासियों से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ। जैसा कि आज सुबह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बताया है कि भाई संडे को 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए सभी लोग समय निकालकर मोमबत्ती दिए से रोशनी करें अपने घरों की लाइट बंद करके, और जो ये लॉकडाउन चल रहा है 14 तारीख तक इसका पालन सभी सख्त रूप से करें। भिवानी की जनता को पहले तो हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो पुलिस प्रशासन को इतना कोऑपरेट कर रही है और आज कई जो लोग हैं, हाँ जी, जो मेडिकल में आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो कोई इमरजेंसी कैसी है उनको हम चेक करके छोड़ रहे हैं। हाँ जी, जो बाकी जो व्यर्थ में कई लोग घूम रहे हैं जी, वैसे ही हाँ जी उनको रेक, हाँ जी उनका चलान भी कर रहे हैं और उनकी गाड़ियां को इम्पाउंड भी कर रहे हैं जी। आज जैसे हम सब इस महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं तो मेरी सब आपसे निवेदन है, अपील है आप सबसे कि जो भी सरकारी आदेश प्राप्त होते हैं हमें उनका पालन करें, घर पर रहें। आज हमारे डॉक्टर भाई, पुलिस वाले साथी, मीडिया वाले, पता नहीं कितने ही सामाजिक संगठन 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए ही, अपने परिवार के लिए ही, अपने लिए ही, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने शहर के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे होम। भिवाड़ी वासियों से मेरी अपील है, कोरोना वायरस जो एक भयंकर बीमारी है उससे बचने के लिए सभी देशवासी प्रदेशवासी अपने घरों पर ही रहे, और हमारी संस्था है महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं उसकी तरफ से निवेदन करता हूं कि किसी भी जरूरतमंद को कहीं पर भी राशन की जरूरत हो भिवाड़ी में तो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं अंत में सभी से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जरूरी कोई सामान लेना हो तभी आप बाजार में आए, वरना आप अपने घर में अपने परिवार के लोगों के बीच रहें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में पहली बार मिले कोरोना के 2 पॉजिटिव केस, पहला मानेरू गांव से और दूसरा संडवा गांव से। बाजार ऐप से भिवानी वासी घर बैठे ले सकेंगे राशन, नई सुविधा प्रदान करने वाला बना भिवानी पहला जिला। श्री राधा कृष्ण केसर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बढ़ाए सहायता के हाथ, जरूरतमंदों को दिया जा रहा है जरूरत का सामान।
समाज सेवा बना परम धर्म। समाज सेवी विष्णु केड़िया ने जरूरतमंदों की सहायतार्थ दिया 1,00,000 रुपए का चेक। स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन बनी गरीबों व जरूरतमंदों की सहारा। भिवानी में देखे लॉकडाउन का असर, सामाजिक संस्थाओं ने की घर रहने की अपील। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।